बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक बहुत पुरानी हवेली थी। उस हवेली के आसपास गांव का कोई भी व्यक्ति जाना पसंद नहीं करता था। लोगों का मानना था कि उस हवेली में किसी भूत प्रेत का साया है, इसलिए वहां के लोग उस हवेली के पास जाने से डरते थे। उस हवेली के अंदर एक भूतिया दरवाजा था। लोग कहते हैं कि उस दरवाजे के पार भूतों का घर है। कुछ लोग कहते थे कि रात के समय वहाँ भूतों की चीखें सुनाई देती हैं, जबकि अन्य लोग दावा करते थे कि उन्हें उस हवेली के पास से गुजरते हुए आत्मा की आवाज़ सुनाई देती है। जिसे भी उस हवेली के पास से गुजरना होता, वह दिल से प्रार्थना करता कि कोई उसे देखने का मौका न दे। एक दिन गांव में एक नौजवान युवक कुछ दिनों के लिए रहने आया। उसका नाम विक्रम था। विक्रम बहुत ही साहसी और उत्साही था। गांव के लोगों ने उससे कहा, तुम उस हवेली के पास मत जाना, उस हवेली में भूतों का साया है। तो विक्रम ने उन गांव वालों से कहा, ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं, मैं इन सब चीजों को बिल्कुल भी नहीं मानता। लेकिन गांव वालों ने उसको समझाया और कहा, यह हवेली कई वर्षों से बंद पड़ी है। इस हवेली से डरावनी आवाजें आती हैं, इसीलिए आज तक इस हवेली में कोई भी नहीं गया है। लोगों के ऐसा कहने पर विक्रम के मन में जिज्ञासा उठी और उसने उस हवेली में सच में कुछ है भी या नहीं ये जानने के लिए उसमें जाने का विचार किया। कुछ दिन बीते। एक दिन विक्रम शाम के समय घर से बाहर के लिए टहलने गया। मौसम बहुत ही सुहावना लग रहा था और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। धीरे धीरे वह टहलते हुए उस हवेली के नजदीक पहुंच गया। उसने देखा कि ये तो वही हवेली है जिसे गांव के लोगों ने भूतिया हवेली बताया था। वह हवेली के पास खड़ा होकर कुछ देर सोचने लगा। कुछ देर खड़ा होने पर उसे कुछ आहट सुनाई दी। उसने अपने चारों तरफ देखा, वहां पर कोई नहीं था। शाम ज्यादा हो गई थी, इसलिए वो वापस अपने घर आ गया। अगले दिन विक्रम गांव के कुछ दोस्तों को अपने साथ लेकर उस हवेली के पास गया और उसने फैसला किया कि वह उस हवेली के अंदर जाएगा और सच का पता लगाएगा। उसने अंदर जाने के लिए हवेली का मुख्य द्वार खोला और हवेली में प्रवेश किया। जैसे ही उसने हवेली में प्रवेश किया, वैसे ही हवाएं चलने लगीं। विक्रम के दोस्तों ने उसे समझाया और कहा, तुम इस हवेली में मत जाओ, यह एक भूतिया हवेली है। विक्रम ने अपने दोस्तों को जवाब देते हुए कहा, ये भूत भूत कुछ नहीं होते। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वास्तव में इस हवेली में कुछ है भी या नहीं। अगर कुछ है तो मैं डरूंगा नहीं, बल्कि उसका सामना करूंगा। इतना कहकर विक्रम हवेली में अंदर की ओर बढ़ा और उसने देखा कि हवेली में अंदर एक बहुत पुराना दरवाजा है। वह दरवाजे खोलने के लिए उसकी ओर बढ़ा तो उसके दोस्तों ने उससे कहा, तुम इस दरवाजे को मत खोलो, ये भूतों का घर है। तो विक्रम ने कहा, मैं देखना चाहता हूँ वास्तव में इस दरवाजे के पीछे क्या है। अगर कुछ है भी तो हमें उससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। ऐसा कहने के बाद उसने दरवाजा धीरे से खोला और उसकी धड़कनें तेज हो गईं। जैसे ही वह अंदर गया, उसने महसूस किया कि हवेली में एक अजीब माहौल था। उसके अंदर एक अजीब सी चुभन महसूस हो रही थी, जैसे कि उसे कोई देख रहा हो। धीरे धीरे विक्रम ने हवेली के अंदर कदम बढ़ाया और उसने एक विचित्र आवाज सुनी। वहां उसे डरावनी छाया और उजियारा दिखा, जो कुछ और अजीब लग रहा था। फिर विक्रम के दोस्तों की आवाज सुनाई दी, विक्रम तुम वापस आओ, वहां खतरा है। लेकिन विक्रम ने अपने साहसिक स्वभाव के साथ अपने धैर्य को बनाए रखा और आगे बढ़ा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, विक्रम को एक भूत सा रूप दिखाई दिया। वह देखता रह गया, पर उसने अपना डर नहीं दिखाया, बल्कि वह धैर्य और साहस के साथ उस स्थान पर चला गया जहां उसे वो आहट सुनाई दे रही थी। आगे बढ़ते हुए उसने देखा और पाया कि वहां पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ उसका वहम था। फिर वह एक कमरे में पहुंचा जहां उसने एक बहुत ही पुरानी किताब देखी। उस किताब को उसने उठाया और उसे पढ़ने लगा। किताब को पढ़ने के बाद उसे पता चला कि ये हवेली किसी पुराने राजवंश के राजाओं की थी, जिनकी मृत्यु के बाद ये हवेली सुनसान हो गई थी। इसमें उनकी विरासत और रहस्यमय इतिहास का जिक्र था। विक्रम को ये जानकर अद्भुत महसूस हुआ कि उस हवेली में कोई भी भूत प्रेत नहीं था।
विक्रम ने और आगे जाकर देखा तो वह एक गुफा के पास पहुंचा, जहां उसने बड़े संग्रहालय को खोजा। उसमें पुरानी चीजें, चित्र और राजाओं की सामग्री थी। इससे विक्रम को ये समझ में आया कि ये हवेली केवल अपने इतिहास और संस्कृति के लिए जानी जाती है, ना कि किसी भूत प्रेत के साये से। विक्रम ने अपने दोस्तों को बुलाया और सब कुछ दिखाया और बताया कि ये हवेली केवल एक भूतिया स्थल नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। इसके बाद वो उस हवेली से वापस आ गए और गांव वालों को बताया कि वहां पर कोई भूत प्रेत नहीं है, यह सब कुछ एक अफवाह है। अंततः लोगों ने अपने इस अंधविश्वास को खत्म किया और फिर उन्होंने उस हवेली से भूत प्रेत के डर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया और हवेली को एक सार्वजनिक स्थल बना दिया।